हम सिर्फ तुम्हारे खातिर करण से भी शादी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी रघु, हम तब तक किसी और को नहीं अपना सकते जब तक तुम हमें छोड़कर सुमित्रा से शादी नहीं कर लेते। रघु, क्यों कहीं? ठीक है, जीते रहो। ये सब का ही है रघु भैया, वरमाला, ये गठबंधन काय नाटक है ये भैया? ये नाटक नहीं है बेला। मैंने और सुमित्रा जी ने मंदिर में शादी कर ली है, अब हम पति पत्नी हैं। ये नहीं हो सकता, झूठ रहे थे। उतारो ये बनवारा, खोलो ये गठबंधन। बेला, बेला, क्या कर रही है तू? हैं? सुमित्रा जी भाभी हैं तेरी, समझी? भाभी सिर्फ और सिर्फ बिनी जी है। थाने इतना बड़ा फैसला उठाने से पहले हम लोगों से पूछना जरूरी भी ना समझा? थाने एक बार भी ना सोचा कि अगर सुमित्रा इस घर में बहू बनकर आ गई तो काय होगा बेबी जी को? बस कीजिए बेला दीदी, पता नहीं आप मुझे हमेशा से गलत क्यों समझती आई है। मेरी अब रघु से शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबी जी को घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेला दीदी, बेबी जी जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस घर की मान मर्यादा का और इस परिवार के लोगों का सम्मान करूंगी। की बड़ी बहू नहीं, इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती हूं। और हमारे इस रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? आशीर्वाद तो घनी दूर की बात है सुमित्रा, मैं तो कोसती हूं ठाको। आज ताक की वजह से दो दो जिंदगियां बर्बाद हो गई, एक बेबी जी की और एक मारी भैया की। बेला, ये क्या तरीका है बात करने का है? सुमित्रा जी अब इस घर की बहू है, इनकी इज्जत इस घर की इज्जत है। माफ करना भैया, पर मारी नजर में तब था कि मेरी इज्जत गिर चुकी है। बेला, सॉरी रघु भैया, मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बेबी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं रघु भैया। बोलो रघु भैया। मैंने ये शादी बेबी जी को दुखी करने के लिए नहीं की।
अपनी खुशी के लिए की और बेबी जी को बता के की है, बल्कि बेबी जी ने खुद मुझसे कहा था सुमित्रा जी से शादी करने के लिए। यह तूने एकदम सही कदम उठाया है रघु। थारे साथ कोई हो ना हो, मैं थारे इस कदम के साथ हूं। मैंने तो उसी दिन से सुमित्रा को अपनी बहू बना लिया था जिस दिन थारा सुमित्रा के साथ रिश्ता हुआ था। रघु भैया, आपने एकदम करेक्टिंग काम किया जो सुमित्रा से शादी कर ली। अगर माँ जी यहाँ होती ना तो वो भी बहुत खुश हो जाती। माँ जी खुश कौन नहीं होती, बल्कि माँ का तो विश्वास उठ जाता रघु भैया से। उस फहमी दूर हो जाती माँ की कि रघु भैया जो भी करते हैं सही करते हैं। बस कर बेड़ा बस कर। रघु और सुमित्रा की शादी हो गई है, उसका स्वागत करने के बजाय तू उनको कोस रही है, योगाई कर रही है तू। हाँ बिला दीदी, बाबू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रघु भैया को किससे शादी करनी है फैसला सिर्फ उन्हीं का बनता है। हमें से कोई डिसाइड नहीं करेगा कि उन्हें किससे शादी करनी है। अब हमें पूरे दिल से सुमित्रा भाभी का स्वागत करना चाहिए। आइए सुमित्रा भाभी आइए। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे कैसे आप घर में एंट्रिंग हो सकते हैं? स्वागत तो मैं करूंगी आप दोनों का पूरे रीति रिवाज से। अब वापस से बाहर जाइए, मैं अभी आपके लिए आरती और कलश लेकर आती हूँ गृह प्रवेश के लिए। आप रुकिए। हे प्रभु, इस घर में जो कुछ हो जाए कम है। अरे जितना टाइम एक आम आदमी को सब्जी लाने में लगता है उतने टाइम में तो हमारे महापुरुष भैया जी शादी करके आ गए, और ऊपर से ये गृह प्रवेश, क्या ड्रामेबाजी है यार। अरे इसी घर से तो गई थी वो। खैर तुम छोड़ो रुपेश बाबू, तुम अपनी फ्री की रोटियां तोड़ो और बस प्रभु के गुण गाओ। जय महादेव। सुमित्रा, इस कलश को अपने राइट पैर से किकिंग करके अंदर एंट्रिंग करो।
तरह से मेरे शुभ कदम इस घर के अंदर आए हैं ना शिवानी, उसी तरह से तुम्हारी कदम बहुत जल्द इस घर के बाहर जाने वाले हैं। सुमित्रा आओ ना अंदर, आइए ना भैया आइए। क्या हुआ भाई भाभी आपको? जल्दी से मुझे पिंचिंग करो, मुझे डिसाइडिंग करना है कि हम ड्रीमिंग देखें या वेकिंग करें। जल्दी करो जल्दी करो। इतनी जोर की क्यों पिंचिंग किया? मैं भाभी चूड़ी तो मैंने धीरे ही काटी थी, बस अब मैं आपकी जेठानी बन गई हूँ ना तो ताकत कुछ ज्यादा आ गई है। हमें तो बिलीविंग ही नहीं हो रहा, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हैपनिंग हो गया? अभी एक घंटा पहले तो तुम्हारी कोई औकात भी नहीं थी और अरे सुमित्रा मेरा मतलब है कि अभी एक घंटा पहले तो तुम मुझे भाभी भाभी कह के बुला रही थी और यूं अचानक से मेरी जेठानी कैसे बन गई? कैसे हो गया ये सब? क्या मैजिक किया बताओ ना। वो क्या है ना माया भाभी कि मैंने सही वक्त पर सही जगह पर सही चोट मारी है। जो मौके का फायदा उठाना सीख गया बस वही हर बाजी जीत गया। ओहो सुमित्रा मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। नफरत करते हैं तुमसे।
मुबारक हो तुम्हें, तुम हमें तोड़ देने में कामयाब रहे रघु। खत्म कर दिया तुमने सब कुछ, हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को सब जला के राख कर दिए तुमने। अरे हम ही पागल थे कि हमने तुम जैसे इंसान से प्यार की उम्मीद रखी। जिस तरह टूट कर हमने तुमसे प्यार किया ना रघु, आज उसी तरह टूट कर हम तुमसे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं तुमसे रघु, नफरत करते हैं हम तुमसे। हम तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। शादा! एक और शब्द मत निकालना अपने मुंह से, हिम्मत ही मत करना। तुम्हें अपनी नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो रघु। जाओ ना, अपनी नई जिंदगी में जाओ, अपनी नई बीवी के पास जाओ, और आज के बाद हम जिए या मरे, लेकिन तुम हमारी तरफ मुड़ के दोबारा मत देखना। सुनीता जी ने मंदिर में शादी कर ली, अब हम पति पत्नी हैं।